पहुंच गई है कैलाश घोष की पूजा पंडाल में। अब लाइव कोलकाता की टीम ने सारा शक्ति सम्मान 2018 कैलाश घोष की को दिया है। मैं कमेटी मेंबर से जानना चाहूंगी ये पुरस्कार पाके वो कैसा महसूस है। पहले मैं धन्यवाद करता हूँ लाइव कोलकाता चैनल का, सचिन त्रिपाठी जी का, उनके साथ आए हुए सारे सहयोगियों का। ये हमारी ये पंडाल का जो टीम है प्रिय माँ भक्ति, लेकिन बहुत कम लोग ये चीज सोचते हैं, पूजा में बहुत कुछ खो जाता है, बहुत कुछ पाया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कैसा चीज हिंदू और मुस्लिम चारों तरफ जो दंगे फसाद लड़ाई ये सब चल रहे हैं, इस कारण हमारे भक्ति भाव धर्म को लेकर कई तरह का अत्याचार चल रहा है। यहाँ पर आने के बाद पता चलेगा आपको कि जगन्नाथ संस्कृति का जो हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे प्रेम और भक्ति इस प्रकार है, जैसे कि प्रेम इंसान को लेकर है, भक्ति भगवान को लेकर है। इस प्रेम में जो आते जो इंसान हैं वो हैं कवि सालबेग जो है एक मुस्लिम है, वो जगन्नाथ जी के सबसे बड़े भक्त हैं। और आप लोगों को शायद पता होगा पूरी मंदिर में मुस्लिमों का प्रवेश निषेध है, लेकिन एक ऐसे भगवान हैं जगन्नाथ जी जो 10 दिन अपने भक्तों के लिए बाहर आते हैं, वहाँ पर उनका रथ वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब टानते हैं और हाथ जोड़ते हैं। यही चीज़ हम यहाँ पे लाना चाहते हैं ताकि समझे लोग कि आपस में बैर करके नहीं प्यार करके ही सब कुछ मिले। सर्वप्रथम एक बात बता देना चाहेंगे, कैलाश घोष स्ट्रीट का पूजा हर एक साल के भांति इस साल भी बढ़ते आ रहा है और इस साल का तो बड़ा अद्भुत नज़ारा यहाँ देखने को मिल रहा है। साक्षात जगन्नाथ भगवान उड़ीसा से यहाँ पे आके बैठ गए हैं और यहाँ की कमेटी के जितने भी मेम्बरान हैं हर एक साल पूजा को बढ़ाते आ रहे हैं। हमारी लाइव कोलकाता की टीम की शुभकामना उनके साथ है कैलाश घोष स्ट्रीट पूजा कमेटी। अच्छा लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, उन्नीस टाइम फैमिली यहाँ पर पार्टिसिपेट करके कैलाश घोष स्ट्रीट का पूजा कमेटी को धन्यवाद देना चाहते हैं। एंड इसके साथ साथ मैं ये चाहूँगा अल्टीमेटली सब मिल के कैलाश घोष स्ट्रीट पूजा कमेटी के लिए हिप हिप हुर्रे एंड लाइव कोलकाता के लिए हिप हिप हुर्रे एंड उन्नीस टाइम फैमिली के लिए हिप हिप हुर्रे सुरजा जी के लिए हिप हिप हुर्रे। बार जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितने सारे लोग खड़े हुए हैं जो कि कैलाश घोष स्ट्रीट पूजा पंडाल में मां के दर्शन करने के लिए आए, साथ ही यहां पर बने हुए भव्य पंडाल को देखने के लिए। चलिए इनसे जानते हैं इस पंडाल में आकर मां के दर्शन करके वे कैसा महसूस कर रहे हैं। हेलो, आपका नाम? तनिषा। तनिषा, आप कहाँ से आई हैं? कैलाश घोष स्ट्रीट। अच्छा, कैसा लग रहा है पंडाल? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग का पंडाल को प्राइज मिला है, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। बिल्कुल पंडाल मिला है, पंडाल को जी हाँ, इतने खूबसूरत पंडाल के लिए लाइव कोलकाता की टीम ने शारदा शक्ति सम्मान 2018 सम्मानित किया है। चले अब कुछ और महिलाओं से बात करते हैं। हेलो, आप पीछे क्यों है, सामने आ जाइए, अपना नाम बताइए। मेघा चक्रवर्ती, हम कृष्णा को देखे আর এইখানে পন্ডালে কেলাগো স্ট্রিট পূজা পন্ডাল কেমনি লাগছে? খুব ভালো লেগেছে, খুব সুন্দর ঠাকুর, যেখানে ঠাকুরের বেশ মেইন কি আপনার অ্যাট্রাক্টিভ অ্যাট্রাক্ট করছে পূজা পন্ডালের মধ্যে কোনটা? প্যান্ডেলের থিমটা যেভাবে করা হয়েছে জগন্নাথের উপর খুব সুন্দর হয়েছে, এটা খুব ভালো লেগেছে। আর আর কোথাও কোথাও কোথায় যাবে, কাহা কাহা জানে কি দাদা? আমরা এখন দেশপ্রিয় পার্কে যাব, তারপর এটা দেখে আসলাম, এটা কি লেক টাউন দেখে এসেছি, ওখানকার শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাব খুব সুন্দর লেগেছে।